हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिजान, आप देख रहे हैं रिजू टेक। सो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने फोटो का बैकग्राउंड सिर्फ एक क्लिक में कैसे निकाले। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको इजी से समझ आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी गेट नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम रिजू टेक। जो मैं रिसेंटली वीडियो अपलोड करा था अपने हैप्पी न्यू ईयर वीडियो कैसे एडिट करें, उस वीडियो पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई अपने फोटो का बैकग्राउंड कैसे निकाले। सो मैं आज उस टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। सो अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाके आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि फोटो का बैकग्राउंड कैसे निकाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गोइंग टू स्टार्ट। सो गाइस, हमें फोटो का बैकग्राउंड निकालने के लिए हमें पिक्सार्ट ऐप डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो पहले हमें पिक्सार्ट ऐप ओपन करना है। पिक्सार्ट ऐप ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर स्किप पर क्लिक करना है, यहाँ पर रॉन्ग पर क्लिक करना है। रॉन्ग पर क्लिक करने के बाद हमें जो यहाँ पर प्लस का सिंबल दिख रहा है नीचे, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिट ए फोटो। उस पर क्लिक करने के बाद हमें जो बैकग्राउंड दिखा रहा है ऊपर, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो जो डॉट डॉट्स वाला बैकग्राउंड दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर यहाँ जो ऑप्शन दिखा रहा है ऐड फोटो का, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें जो फोटो का बैकग्राउंड निकालना है वो फोटो हम यहाँ से ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। मैं ये फोटो ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो कटआउट का ऑप्शन दिखा रहा है खेंची का, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें जो यहाँ पर दो दो तरह के ऑप्शन दिखा रहे हैं, सेलेक्ट और आउटलाइन, तो हमें सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऐसा आउटलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो एरो दिखा रहा है ऊपर, उस पर क्लिक करना है। देखिए ऊपर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड हमें निकल जाता है। सो हमें कुछ थोड़ा यहाँ पर एरेस कर लेना है। यहाँ पर जो एरेस का बटन दिख रहा है वहाँ पर थोड़ा साइज कम कर लेना है। साइज कम करने के बाद यहाँ से एरेस कर लेना है थोड़ा। यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सो देखिए ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रफ हो गया है। यहाँ पर जो ऊपर राइट का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर से एरो का बटन दिख रहा है राइट साइड ऊपर, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऐड पर, यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करना है। क्लोज पर क्लिक करके यहाँ पर गैलरी पर सेव कर लेना है। तो हमारा फोटो सेव हो चुका है। हेलो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वाला वीडियो किस टॉपिक पर आना। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी गेट नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम रिजू टेक।